हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूमिन करी। आज बनाने वाले हैं महाराष्ट्रन थाली पीठ स्टाइल में साबूदाने का पराठा, जो कि होगा बहुत ही हेल्दी। उसको हम बनाएंगे बहुत सारे फ्रेश हर्ब्स यूज़ करते हुए। तो इसके लिए हमें चाहिए 5 टेबलस्पून के जितना कोई भी व्रत वाला आटा, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, या फिर आप कोई भी आटा यूज़ कर सकते हो जो व्रत में खाया जाता है। इसमें जाएगा 1/4 टेबलस्पून के जितना कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर, जिसे हम डालेंगे 10 से 15 काली मिर्च को कूट के। और यहाँ पे हमने 1/2 टेबलस्पून के जितना ग्रेटेड जिंजर डाला है और 2 ग्रीन चिली को, हरी मिर्च को काट के डाला है। एक छोटी कटोरी के जितना हम आलू मैश करके डाल देंगे। मैंने करीबन 3 आलू यूज़ किए हैं इसमें मध्यम आकार के, तो ये अच्छे से मैश होने चाहिए। 1/2 कटोरी के जितना आपको इसमें भीगे हुए साबूदाने डालने। मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के छोड़ दिया था, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। और ये पालक के पत्ते हैं 1 कटोरी के जितना, जिसको चॉप करके मैंने धो लिया था। आधी कटोरी के जितना फ्रेश मेथी के पत्ते और आधी कटोरी के ही जितना दिल लीव्स यानी कि सोया के पत्ते। ये काजू को मैंने चॉप कर लिया था, आप देख सकते हैं जिस तरीके से चॉप किया है। तो ये करीबन 2 टेबलस्पून के जितना मैंने चॉप किए हुए काजू को ऐड किया है। एक बार ये सारी चीज़ें अच्छे से मिलाएंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी में मैं कोई नमक नहीं यूज़ कर रही हूँ, आप थोड़ा सेंधा नमक डाल सकते हैं। मुझे नहीं खाना था नमक, तो मैंने आज नहीं डाला। बाकी अगर आप नमक ऐड करोगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप देख सकते हैं हमने बहुत सारे इसमें ग्रीन्स यूज़ किए हैं, तो ये बहुत ही हेल्दी है। इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिलाना है, बेसिकली एक डो का फॉर्म देना है। आपको इसमें पानी नहीं ऐड करना है, जो आटा है आपको आलू की ही मदद से आटे जैसा इसका कंसिस्टेंसी लानी है। इस तरीके से आप थोड़ी देर इसको नीट करोगे तो ये एकदम आटे की तरह इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि आलू में भी पानी होता है और जो आपने पत्ते डाले उनका भी पानी होता है थोड़ा। तो उसी की मदद से आपको इसको आटा लगाना है, इसमें पानी बिल्कुल भी मत ऐड करिएगा। तो ये हमारा डो बिल्कुल रेडी है। आप इसको बहुत देर के लिए मत छोड़ेगा, जैसे ही आप इसका आटा लगाइए तुरंत बनाइए, क्योंकि अगर आप इसको थोड़ी भी देर छोड़ोगे तो इसमें से और ज़्यादा पानी आ जाएगा इसमें, तो फिर आपको बनाने में दिक्कत होगा। जो भी आप पराठा पूरी जो भी बनाना चाहते हो इसका, तो आप तुरंत इसको बनाइए। हाथ में थोड़ा सा तेल या घी अप्लाई कीजिए व्रत में खाने वाला, और इस तरीके से लोइयाँ इसकी निकाल लीजिए। इसके राउंडल्स बनाइए और इसी तरीके से हम बाकी के भी बना लेंगे। अब हम बनाएंगे इनके पराठे, और वो भी बिल्कुल महाराष्ट्रन थाली पीठ स्टाइल में। तो एक प्लेट ले लिया है मैंने, प्लेट के बैक साइड में मैं थोड़ा सा व्रत वाला मूंगफली का तेल अप्लाई करूंगी, या आप घी भी लगा सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से तेल अप्लाई कर दिया, और अब एक लोई को लेके आपको आपके हाथ में भी थोड़ा सा तेल होना चाहिए, तो हाथों की मदद से आपको इसको प्रेस करना है और इसको एक पराठे का शेप देना है जितना फैला सकिए, और साइड से उसको राउंड शेप देते रहिए अगर बाहर कुछ निकल रहा है तो। आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, आपको वैसे ही करना है। तो पीछे आपने पहले तेल लगाया था तो ये इजीली बाहर आ जाएगा। अदरवाइज अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो आप इसको नॉर्मल रोटी की तरह थोड़ा सा सूखा कुट्टू का या फिर सिंघाड़े का आटा लगा के भी बेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम एक नॉन स्टिक तवे पे सेकेंगे। नॉन स्टिक तवे पे थोड़ा कम तेल लगता है, तो इसलिए मैं उसी पर सेक रही हूँ। जब एक साइड हो जाए 1 से 2 मिनट के बाद इसको हम पलट देंगे, और जिस साइड थोड़ा सा सेक चुका है उस साइड थोड़ा सा हम इसमें व्रत वाला तेल अप्लाई करेंगे। तो इसको दोनों साइड करीबन 2 से 3 मिनट के लिए आपको सेकना है ताकि अच्छे से पक जाए, क्योंकि इसमें साबूदाना भी है। और ये पराठे काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं क्योंकि इसमें हमने अच्छे से मैश पोटैटोज़ डाले हैं, तो उसकी वजह से इसका टेक्सचर सॉफ्ट ही रहता है। आप दूसरे साइड भी थोड़ा तेल लगा लीजिए और इसको वापस से सेकिए उसी साइड जिस साइड आपने तेल डाला है। बस ये हमारे पराठे बिल्कुल हो गए। इसी तरीके से हम बाकी के भी सेक लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही
इसका प्यारा टेक्सचर है, इसमें जो हमने काजू डाला है उसकी वजह से एक क्रंच एलिमेंट भी ऐड होता है और बहुत सारे हर्ब्स हैं तो बहुत हेल्दी है। मैं एक ही बार में 3 से 4 सेक लेती हूँ। तो इस तरीके से हमारे पराठे बिल्कुल रेडी हैं। आप इसको दही के साथ या फिर किसी भी व्रत वाली सब्जी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरीके की बहुत ही यूज़फुल रेसिपीज़ लेके मैं आती रहती हूँ। मैं मिलती हूँ आप सभी से एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड कीप कुकिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।